लेट्स गो टू होम। मेरे लिए बस एक टेंशन है जो कि 128 GB फुल हो चुका है, उसको मैंने रखा हूँ। अब घर जाके चेक करना ये है कि सारा फाइल शो हो रहा है कि नहीं। राइट नाउ द टाइम इज 12:25 एंड लेट्स सी कब पहुँचते हैं कटक। तो दिस इज़ द व्लॉग गोपालपुर टू कटक, आई मीन ब्रह्मपुर टू कटक। रास्ते में या फिर अभी आस पास आर्यापल्ली ब्रिज है, बीच है। एक्चुअली हम लोग सोचे थे कवर करने के लिए, अब मूड नहीं है क्योंकि अब घर जाना है, क्योंकि अब पेशेंस नहीं है। हालांकि जा सकते हैं लेकिन दोस्त सब बिछड़ गए, तो अब सोचते हैं चलो हम भी अब घर ही चलें। तो अब डैड घर जाएंगे, मैं भी रास्ते में रुक सकते हैं एक लंच के लिए, क्योंकि खाना तो बनता है, सुबह सुबह से कुछ खाए नहीं है ना, इसलिए तो एक जगह रुक के कुछ खाएंगे। और मे भी अगर मूड हुआ रास्ते में तो तम्परा लेक के आसपास कहीं पे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम है, देखते हैं। अभी डिसाइड नहीं हुआ है, जो साथ डिसाइड करेगा। यहाँ से हमको ऑलमोस्ट और 200 किलोमीटर राइड करना है। यहाँ से कटक तो 190 किलोमीटर दिखाता है मेरे घर तक, अप्रोक्स पकड़ लो 200 किलोमीटर और राइड करना है हमको। ओके गाइस, अब यहाँ से ये लो लेफ्ट चले जाएंगे, सीधा हम लोग राइट चले जाएंगे। तो यहाँ से अब अलविदा। तो रास्ते में ही दो दोस्त मिल गए, आई मीन राह चलते ये लोग भी फोटोग्राफी कर रहे थे। तो गाइस एक और टीम आ गया ब्लॉगर्स का, आई मीन ब्लॉगर्स का नहीं, राइडर्स का। हाय निखिल ब्लॉग्स। और पीछे तो आदमी है ना, और पीछे तो बाइकर अरुण सर लेकर खड़ा हुए थे। चलो इसको भी लाइन में लगा दो, फोटोग्राफी हो जाएगा। इसको क्यों बाकी रखे। लाइन लग चुकी है सुपर बाइक्स की, सब एक एक प्रकार का सुपर बाइक्स रोड क्रॉस करने के लिए, और डर के आ जा रही हो वापस फिर। जी वाह, चलो चलते हैं अब। बाय गाइस, बाय बाय। कटक और 128 किलोमीटर है। खाने का प्लान है, कुछ खाना खा लेते हैं, ठीक है। भोजन जरूरी है, जिस तरह बाइक को पेट्रोल जरूरी है, हमको भी खाना पीना जरूरी है कि नहीं है, बस उसी तरह। तो गाइस रुके थे लंच करने के लिए, लंच कर चुके हैं, तो यहाँ पर 25 to 30 मिनट्स रुके, और ये रहा होटल का नाम। बाइक खड़ी, अब निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट होम, मतलब और 100 किलोमीटर है, ठीक है। सो लेट्स गो। तो ये लास्ट मील था, लास्ट डे का, लास्ट ट्रिप का लास्ट मील, एंड अब और मोर देन 100 किलोमीटर हमको कवर करना है। टोटल बाइक कितना चल चुका है मैं आपको घर जाके बताऊंगा, और ये तो लास्ट ब्लॉग है ही। नींद आ रही है, पेट भर खाना खा लिया, उसके बाद राइड कर रहे हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, अभी सोने का मन कर रहा है, अभी टाइमिंग भी सोने वाला है, 2:35 हो रहा है, इसलिए लेट्स गो घर जाके अब आराम करते हैं। मैंने तो घर में बोल भी दिया है कि भाई मैं 8 बजे रात तक आऊँगा, क्योंकि हम लोग एक प्लेस कवर करने वाला था तम्परा लेक, लेकिन छोड़ दिए, और पेशेंस नहीं था और मन भी नहीं था, तो फिर कभी और देख लेंगे। इसलिए मैंने घर में टाइमिंग बताया था 8 बजे आऊँगा, लेकिन अभी के टाइमिंग के हिसाब से हम लोग 4 से 5 बजे के अंदर घर पहुँच जाएंगे, जो कि अच्छी बात है, अंधेरा होने से पहले। वैसे भी अंधेरा हो भी जाता तो कोई भी हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम डुअल राइडर कर रहे हैं, और बात यह है कि भुवनेश्वर का रास्ता हमको अच्छे से पता है, भुवनेश्वर खोर्धा से लेके भुवनेश्वर फिर कटक, नॉट अ बिग डील।
60 किलोमीटर कटा किसके मतलब दूर से ओके गाइस फाइनली हम लोग कटक पहुंच चुके हैं। समय हो रहा है 4:15। अब सत्य जाएगा अपने घर, मैं जाऊंगा अपने घर। ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय गाइस, सी यू अगेन। ओके गाइस, तो सत्य अपने घर, मैं अपने घर जा रहा हूँ। हालांकि घर में बोला हूँ 8 बजे आऊँगा, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ सरप्राइज देने के लिए। और ब्लॉग को एंड भी अभी कर ही देंगे ऑलमोस्ट। सो लेट्स गो, घर में मिलते हैं एक बार घर के करीब। तो गाइस, 31 दिसंबर 2022 में निकले थे सुबह सुबह 8 बजे, अभी बज रहे हैं 4:20 और आज डेट है 3 जनवरी 2023। और सफ़र का समाप्ति यहीं पर घर के करीब आ चुका हूँ। ओ माई गॉड, कहाँ से कहाँ हम और ये बाइक जाकर आ गए। और इस बार मैंने अपने पांव तोड़वा लिए, देखते हैं कुछ दिन में ठीक होगा तो आप लोग को अपडेट तो पता चल ही जाएगा। देखिए ट्रिप वन 790 किलोमीटर 790 किलोमीटर